आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। कभी आपने सोचा है कि कुछ चुपाइयाँ ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार हम सबके मुंह पर खुद ही आ जाती हैं? जैसे पढ़ाई की चिंता हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान के सागर। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा हो तो आप बोलते हो जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, यानी आपके दुश्मनों का नाश करने वाले। जब जीवन में निराशा छाई हो तो आप बोलते हो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यानी आपके सबके बड़े गुरु जो आपको भक्ति सिखाकर सही राह दिखाकर आपके दुखों को हर कर आपको मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। ये चुपाई बोलते ही आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर कहीं अंधेरा हो, सुनसान रास्ते से जा रहे हो, आपको डर लग रहा हो तो आप क्या बोलते हो बताओ? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी महावीर हनुमान के नाम से ही भूत पिशाच डर के भाग जाते हैं। ऐसे वीर महावीर जिनका नाम ही संकट मोचन है, जिनके आगे पहाड़ जैसा संकट चींटी जितना लगता है, ऐसे महावीर की अगर आप पर कृपा हो जाए तो जीवन की नैया पार सुख समृद्धि के साथ पार हो जाएगी। संकट के समय आप क्या बोलते हो? कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। महावीर हनुमान के लिए हर संकट चींटी जितना है। जिन्होंने श्री राम की मदद की, अगर वो आपकी मदद कर दें तो आह, सोच कर ही जीवन आनंदमय हो रहा है। चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ हनुमान जन्म उत्सव पे आपको कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पानी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। हनुमान जन्म उत्सव पे आपको क्या क्या जरूर करना चाहिए? आज आप बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाएं, बच्चों के हाथ से भोग लगवाएं, पंडित जी को कह के बच्चों को हनुमान जी के सीधे यानी कि राइट साइड के कंधे से उनका सिंदूर लेकर अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाएं, और किसी भी गरीब बच्चों को कॉपी पेंसिल केले का दान करवाएं। इससे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी बुद्धि तीव्र होगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। आप हनुमान जी को उनके प्रिय फूल गुलाब देसी सुगंधित फूलों की माला पहनाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होके आपको सुखी जीवन का आशीर्वाद देंगे। अब ये ध्यान से सुनिए, आप बजरंग बली को अपने घर में घर की बनी बूंदी या घर की बनी खीर का भोग जरूर से लगाएं, और उसमें आपको तुलसी पत्ता दल जरूर रखना है। जब लंका से वापस आके हनुमान जी माँ सीता की रसोई में खाना खा रहे थे तो उनकी भूख ही नहीं शांत हो रही थी, तब माँ सीता ने उनको एक तुलसी दल दिया जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। तो सोचिए, आपने अगर बजरंगबली को पेट उनका भर दिया तो आपके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, आपके घर हमेशा पकवान बनेंगे। अब जो आप सबको चाहिए, यानी आपको बता रही हूँ हनुमान जी से अपनी इच्छा, पैसे की, काम की, स्वास्थ्य की, कोई भी इच्छा पूरी करने का अचूक उपाय। आपको पता है हनुमान जी को केवड़े का इत्र सबसे प्रिय है, तो हनुमान जन्मोत्सव पे आप सिंदूरी रंग का चोला लेकर अपने दोनों हाथों में अच्छे से केवड़े का इत्र डालकर लगाकर
अच्छे से अपने हाथ से चोले पर लगाएं और फिर मंदिर जाकर आप हनुमान जी को ये चोला चढ़ाएं और आप अपनी इच्छा बोलें, हनुमान जी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अगर आप कोई मुसीबत में फंसे हैं, जैसे आपका कोई कोर्ट केस है या कोई टैक्स इश्यू हो गया है या फिर कोई आपके पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो संकट मोचन को आपको बनारसी सादा पान का भोग लगाना है। हनुमान जी प्रसन्न होके आपकी परेशानी चुटकियों में दूर कर देंगे। आपका कोर्ट केस आपके हक में होगा, आपके अटके पैसे भी जल्द निकल जाएंगे। अपने घर परिवार में अगर आप सब मिलके 108 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यानी किसी मेंबर ने किया 11 बारी, किसी ने किया 21 बारी, ऐसे टोटल मिला के 108 बारी आप सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप एक बार हनुमान चालीसा और एक बार सुंदरकांड का पाठ करें और फिर आपको गूगल और कपूर से हनुमान जी की आरती करनी है और पूरे घर में इस गूगल और कपूर की धुनी दिखानी है। इससे आपके घर में सबके लोगों के मन में पॉजिटिविटी आएगी। कोई नज़र जादू टोना होगा तो वो दूर होगा, आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा। संकट मोचन से कृपा पाइए और अपने सारे संकट आप हनुमान जी को दे दीजिए। हनुमान जी चुटकियों में आपकी मुसीबतें दूर करेंगे। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उनके संकट भी आप हनुमान बनके दूर करिए। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।